जनपद शामली के थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पे दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 4.5 किलो स्मैक, जिसकी कीमत करीब 4.25 करोड़ रुपए है, वो बरामद किया गया है, जिसे अभियुक्त एक कैंटर में छुपाकर ले जा रहे थे। तरबूज भरा एक कैंटर भी बरामद किया गया है पुलिस द्वारा। इन दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई है, जिसमें ये बात संज्ञान में आई है कि ये माल उन्होंने बरेली से कुछ लोगों द्वारा लिया था तथा इसे पंजाब के चंडीगढ़ इन्हें डिलीवर करना था, और शामली होते हुए करनाल बॉर्डर से ये चंडीगढ़ जाते, लेकिन वक्त रहते शामली पुलिस ने करनाल बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस स्मैक की तस्करी के एवज में इनको 50,000 रुपये मेहनताना मिलना था। इन दोनों अभियुक्तों से अभी और पूछताछ की जा रही है तथा कई अहम सुराग इनके द्वारा बताए गए हैं। जो गिरफ्तारी करने वाली टीम है उसको प्रोत्साहित करते हुए मेरे द्वारा 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि 1 महीने पूर्व कांधला थाना पुलिस द्वारा इसी प्रकार से दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से 1 किलो स्मैक, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है, वो बरामद की गई थी। पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे थे, जिसके बाद ये अभियान जो अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध है शामली पुलिस का निरंतर जारी है, और हम प्रयासरत हैं कि इस पूरे नेटवर्क को तोड़ सके, और आगे इसमें जांच प्रचलित है और आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां पुलिस द्वारा की जाएंगी।